नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। नेपाल में कोरोना वायरस से आओ 3 गोटे की मृत्यु, मृतकक संख्या 149 पहुंचा। प्रदेश 2 में आए और 312 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल, परसा में 138 गोटे नया संक्रमित। विभिन्न स्थान में निषेधाज्ञा बढ़े, धनसा आ सरलाही में भादु 14 गते धरे निषेधाज्ञा बढ़ाओल गए। धनसा धाम के धर्मपुर में सामूहिक बलात्कार घटना में संलग्न एक युवक पकड़ायल, 3 गोटे के खोजी जारी। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 8,09,000 पहुंचल। अब समाचार विस्तार में। नेपाल में कोरोना वायरस से मृत्यु होने वाला के संख्या 149 पहुंचल। आय और 3 गोटे के मृत्यु भेला संगे मृतकक संख्या 149 पहुंचल। मृत्यु होने वाला में परसा के 1 गोटे, सरलाही के 1 गोटे आ झापा के 1 गोटे रहल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार बीरगंज महानगर पालिका निवासी 56 वर्षक महिला के बीरगंज हेल्थ केयर अस्थायी कोरोना अस्पताल में इलाजक क्रम में शनि दिन साँझ मृत्यु भेल छल। तहिना झापा के 58 वर्षक पुरुष के समेत कोरोना से मृत्यु भेल। तहिना के सरलाही के 33 वर्षक महिला के सेहो मृत्यु भेल। नेपाल में रवि दिन और 818 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल। अय संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 31,935 पहुँचल। सुनसरी में 9 जना, प्रदेश 2 में धनुषा में 60, पर्सा में 139, बारामा 39, महोत्तरीमा 34, रौतहटमा 9, सप्तरीमा 4, सर्लाहीमा 91 र सिराहामा 14 हुनुहुन्छ। यसैगरी बागमती प्रदेशमा, काठमाडौँमा 126, काभ्रेपलाञ्चोकमा 27, दोलखामा 6, धादिङमा 1, भक्तपुरमा 28, मकवानपुरमा 1, रसुवामा 1, रामेछापमा 2 र ललितपुरमा 12 र सिन्धुलीमा 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अछाममा 23, डडेलधुरामा 2, दार्चुलामा 1, बझाङमा 3 र बैतडीमा 4 जना गरी जम्मा 220 महिला र 598 पुरुष गरी जम्मा 818 जना संक्रमित भेटिनु भएको छ। कोरोना भाइरसक संक्रमण से पिछला 24 घंटा में देशभर 281 गोटे ठीक भाग घर घूरल। डिस्चार्ज होने वाला के संख्या 18,631 पहुँचल। तहिना अखन धरि 11,414 गोटे क्वारंटाइन में रहल। तहिना आइसोलेशन में 13,155 गोटे रहल। देशभर पिछला 24 घंटा में 8,026 गोटे के PCR परीक्षण कैल गेल। अखन धरि 6,444 गोटे के PCR परीक्षण भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय नया बानेश्वर स्थित सिविल अस्पताल के चिकित्सक सबके राखल गेल घर में अवरोध करय वाला स्थानीयवासी के कार्रवाई कर निर्देशन दिलक। मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम नया बानेश्वर के मिलन चौक स्थित एक हॉस्टल में रहते आयल चिकित्सक ऊपर स्थानीयवासी अवरोध केने कहित संबंधित जिला प्रशासन कार्यालय के कार्रवाई कर निर्देशन कैल गेल जानकारी देलन। ओ महामारी के समय खटल स्वास्थ्यकर्मी ऊपर दुर्व्यवहार नहीं कर सेहो सब संग अपील कैलन। सिविल अस्पताल का डाक्टर नर्स कर्मचारी राखे ठाव में राख दीदन भर हुलदंगा करने व्यक्ति कानूनी कारवाई करना का संबंधित जिला प्रशासन कार्यालय सूचना गरिसकिएको छ र उहाँहरूलाई कारवाही हुने कुरा म यहाँ सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरूको अगाडि म यो प्रतिबद्धता जाहिर गर्न चाहन्छु। सेन्दिन सिभिल अस्पतालका चिकित्सक आ नर्स राखल गेल होस्टलमै स्थानीयवासी अवरोध केने छल। ओ सब संक्रमण फैल सकबाक डर रहल कहैत ओतसँ चिकित्सक सबके बाहर निकल दबाव देने छल। प्रदेश 2 में आय और 312 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशालय देने जानकारी अनुसार परसा में 138, सरलाही में 79, धनुषा में 37, रोथड़ में 17, बारा में 13, सप्तरी में 12, महोत्तरी में 11 आ सिराहा में 5 गोटे कोरोना के नया संक्रमित भेटल। संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 8,832 पहुँचल। अखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 62 गोटे के मृत्यु भ चुकल। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा में 28 गोटे के मृत्यु भेल। तहिना धनुषा में 11 गोटे, बारा में 7 गोटे, सप्तरी में 5, रोथड़ में 3 गोटे,
सिरहा में 3 आ महोत्तरी में 2 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना सरलाही में 3 गोटे के मृत्यु भेल अछि। आइ 53 गोटे कोरोना से मुक्त भक आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल अछि। अखन धरि प्रदेश 2 में 88,730 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहि में 5,291 टा स्वाब के नतीजा आब बाकी अछि। आइ प्रदेश में 1,033 गोटे आइसोलेशन में आ 3,500 गोटे होम आइसोलेशन में रहल अछि। तहिना क्वारंटाइन में 1,071 आ होम क्वारंटाइन में 2,069 गोटे रहल अछि। धनसा में निषेधाज्ञा 1 सप्ताह के लेल और बढ़ाओल गेल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय कोरोना संक्रमित के संख्या बढ़त गेला बाद निषेधाज्ञा के समय अवधि फिर 1 हफ्ता के लेल बढ़ाओल गेल जानकारी कोरोलक अछि। जिला स्तरीय कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र के सिफारिश आ जिला सुरक्षा समिति के निर्णय अनुसार प्रशासन कार्यालय 14 गते रात 12 बजे धरि के लेल निषेधाज्ञा बढ़ौलक अछि। एहिसँ पहिने आइ रात 12 बजे धरि निषेधाज्ञा लगाओल गेल छल। आइ जारी कयल गेल सूचना अनुसार निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन सब चलाव में रोक लगाओल गेल अछि। यद्यपि अत्यावश्यक सेवा के गाड़ी चलाव में रोक नै लगाओल गेल सेहो प्रशासन कार्यालय जनौलक अछि। अत्यावश्यक वाहक के नियमित सेवा, बैंक तथा वित्तीय संस्था सब प्रवाह होय वाला बाहरी सेवा सब आ सामाजिक संघ संस्था के काज सब समेत बंद कर कहल गेल अछि। एम्हर सरलाही में फिर 1 सप्ताह के लिए निषेधाज्ञा बढ़ाओल गेल अछि। तेसर बेर बढ़ाओल गेल निषेधाज्ञा अनुसार 14 गते धरि अत्यावश्यक बाहे के काज में चलबुल नहीं कर कहल गेल अछि। कोरोना संक्रमण फैलबाक क्रम नहीं रोकल बाद निषेधाज्ञा बढ़ाओल गेल। प्रमुख जिलाधिकारी सुरेंद्र पौड़ेल जानकारी देलनि अछि। कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम तथा नियंत्रण के लेल गठित जिला स्तरीय समिति के आई बैसल बैठक निषेधाज्ञा बढ़ेबाक सिफारिश कला बाद समय बढ़ाओल गेल। प्रमुख जिला अधिकारी पौड़ेल जानकारी देलनि अछि। सरलाही में शाम 26 गते से 32 गते धरि आ एकर बाद 7 गते धरि निषेधाज्ञा कयल गेल छल। पहिने भेल पीटपाट घटना के आरोपी के प्रहरी अखन धरि नहि पकड़ने पीड़ित पक्ष आरोप लगौलक अछि। छिरेश्वरनाथ नगर पालिका वार्ड नंबर 10 हारसर में शुक्र के रात बाल बालिका के खेलकूद विषय के लक तनाव भेला बाद शुरू भेल पीटपाट में सम्मलन के कार्रवाई नहि कयल गेल पीड़ित पक्ष के आरोप अछि। पीटपाट में सम्मलन सब वड़ा अध्यक्ष के व्यक्ति सब भेला सँ प्रहरी कोनो कार्रवाई नहि केने पीड़ित पक्ष के आरोप अछि। घायल दीप नारायण चौधरी के भाई मनोज चौधरी वड़ा अध्यक्ष द्वारा परिचालित व्यक्ति सब चुनाव के समय के रिसीवी के कारण अपन परिवारजन सहित टोलवासी के पीटपाट के आरोप लगौलन अछि। पीटपाट में सर ये ना है, वो आय से मात्र नहीं पदारत वार्ड अध्यक्ष जो है जो अपने के विगत से 10 बरस से वही 5 गो मुसलमान में जो 5 गो वर्चस्व वाला लड़का सब है ओकरा सबके पोषण पालन खान पीन उठन बैठन अध्यक्ष लगन से पूर्ति हो जाए। वह बजट दिलक, वह जे मन भेल काज दिलक, कोनो पंचायत भेल मारपीट कलक तो प्रधान पदारत साहब के जुर्माना भर दिलक, सब चीज वह कलक आ ओकरे निर्देशन से हर जगह वो सब झगड़ा करी ओकरे जगह बचावे है। अपने अखन तो महेंद्रनगर चौकी हुई, मुजलिया चौकी हुई या चाहे जनकपुर जिला प्रशासन कार्यालय हुई, हर जगह जाके देखियो पदारत के हस्ताक्षर में करीब करीब ओकरे नेतृत्व में सब जगह छोड़बे है आ वह मार करबे है। आ वो अपन जना ऐसे वोटों के कुछ बात सब अल जे सब असहयोग कलके हमरा टोल के आदमी सब दलित है जरा जत अपन इच्छा हो स्वेच्छा है वोट मतदान कर के ओकर ईगो बना कर अखन तक ओहो ईगो सब इसब पसारने है आ ओहो के चलते मार कलके। एम्हर इलाका प्रहरी कार्यालय महेंद्रनगर के निमित्त इंचार्ज सब इंस्पेक्टर मोहम्मद मुस्तफा पीटपाट में समन सबके खोजी भ रहा बतौलन अछि। प्रहरी कार्रवाई शुरू नहीं केने आरोप के से ओ खंडन कलन अछि। फुटबल बच्चा को चाहिए फुटबॉल खेल रहता है हिंदू पल्स को कह रहा है मुस्लिम पल्स चौक से टोल में चौक में चाहिए पटी के मुस्लिम पट्टी पड़ी केटा आते हो फिर हाई हुई होता खेल अब सानो भाना भन शुरू भो सी भाना भन भाई पी उपटी मं ये पट्टी मं पुटा कर शुरू भो अब उ मुस्लिम पल्स हिंदू हामी चाहिने अब मान्छे अब गल्ती गर्ने पिट्ने मान्छेलाई हामी खोजिरहेको छ मान्छेले चाहिँ फेला परेको छैन अनि उपसको 5-6 जनाको यो जानकी मेडिकल हस्पिटलमा उपचार भइरहेको छ। एम्हर आरोप लगाओल गेल वडा अध्यक्ष राम पदार्थ यादव घटना में अपन कोनो समानता नहीं रहल दावी कलन अछि। ओ घटना के छानबीन कऽ दोषी पर कार्रवाई कर समेत मांग कलन अछि। हम सब तो एकदम चाहि रहल छी
जे दोषी तेकरा पर कार्रवाई होए कि अनुसंधान होए है ना मायर मतलब कौन विधि भेलै हम सब एकदम कह रहल छी हमरा सब के ओहि बात में कोनो नहीं जे प्रहरी के हम सब कोनो अनुसंधान नहीं कर रोक हम सब एकदम कह रहल दोषी माफी कार्रवाई होबक चाहिए जे कोई दोषी होए मायर पीट के जे संरचना तैयारी कर के मायर पीट करेने है वा जेकर गलती ठहरौती तेकरा पर कार्रवाई होबक चाहिए। शुक्र ग्रहित हारसर में पीटपाट घटना भेल छल जाय में स्थानीय वासी विवेक चौधरी अभिषेक चौधरी पंकज चौधरी वीरेंद्र चौधरी राम शरण चौधरी प्रदीप शाह सोनू सत्यनारायण चौधरी आ दीप नारायण चौधरी घायल भेल छल। हुनक सभक जनकपुर धाम प्रादेशिक अस्पताल में इलाज भ रहल अछि। धनुषा के धनुषा धाम नगरपालिका में एक युवती पर सामूहिक बलात्कार घटना में सम्मिलन चारि में से एक युवक पकड़ायल अछि। पकड़ायल में धनुषा धाम नगरपालिका वार्ड नंबर 2 धर्मपुर के 19 वर्षक विजय कुमार यादव रहल प्रहरी जनौलक अछि। धमौरा पोखर लग में भादो 1 गते साँझ धनुषा धाम नगरपालिका वार्ड नंबर 5 900 बीघा से अपन गाम जा रहल समय स्थानीय चार युवक युवती के सामूहिक बलात्कार कयने छल। दीदी के घर से अपन दू जना भैया संगे घर जा रहल समय दूटा मोटरसाइकिल में अभियुक्त सब पीछा करते आयल छल। धर्मपुर लग में पहुँचला बाद वो सब युवती के दुनू भैया के पीट पाट आ युवती ऊपर सामूहिक बलात्कार कयने छल। अनुसंधान के क्रम में पीड़ित कहने हुलिया के आधार में एक गोटे के शनाख्त भेल छल। रवि दिन जिला अदालत से जबरदस्ती करने मुद्दा में म्याद बढ़ा कर अनुसंधान शुरू कयल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक मकेन्द्र कुमार मिश्र जानकारी दिलक अछि। घटना में सम्मिलन और 3 गोटे के खोजी भ रहल अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभरि पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 8,09,094 पहुँचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 2,34,07,384 पहुँचल अछि। संक्रमित में से 1,59,40,667 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका में 1,80,191 गोटे के मृत्यु भेल अछि। ओतः 58,00,000 से बेसी संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,14,227 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तेसर सबसे बेसी मेक्सिको में 60,254 गोटे के मृत्यु भेल अछि। भारत में 56,883 गोटे के जान गेल अछि। भारत में 30,50,326 गोटे संक्रमित रहल अछि। तहिना बेलायत में 41,423 गोटे के मृत्यु भेल अछि। इटली में 35,430 गोटे के जान गेल अछि। फ्रांस में 30,512 स्पेन में 28,838 आ ईरान में 20,502 गोटे के मृत्यु भेल अछि। चीन में 4,634 गोटे के जान गेल अछि। तहिना कऽ सऊदी में 3,619 यूएई में 375 कतार में 193 आ मलेशिया में 125 गोटे के मृत्यु भेल अछि। अब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। नेपाल में कोरोना वायरस से और 3 गोटे की मृत्यु, मृतकक संख्या 149 पहुंचल। प्रदेश 2 में और 312 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल। पड़सा में 138 गोटे नया संक्रमित। विभिन्न स्थान में निषेधाज्ञा बढ़त। धनुषा आ सरलाही में भादो 14 गते धरे निषेधाज्ञा बढ़ल गेल। धनुषा धाम के धर्मपुर में सामूहिक बलात्कार घटना में सम्मिलन एक युवक पकड़ायल 3 गोटे के खोजी जारी। आ विश्वभरि पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 8,09,000 पहुंचल। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।